पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आज नागपुर दौरे पर है। नागपुर एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे इनका शिव सैनिकों द्वारा फूल बरसाकर ढोल बजाकर जंगी स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से संवाद साधते हुए उन्होंने कहा कि आज नागपुर का एक महत्वपूर्ण कोराड़ी विषय है। नांदगांव वारे गांव में इससे पहले यहां आकर गया हूं। राख का भंडारण फिर से शुरू हो रहा है। विदर्भ में कोयला वाशरीज बढ़ती जा रही है। जब मैं पर्यावरण मंत्री था तब इसे बंद कर दिया गया था। साथ ही नागपुर में अजनी वन के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान अजनी वन स्थित प्रोजेक्ट को स्थगित किया गया था। कोराड़ी में 6 इकाइयां बंद की जा रही है और 660 मेगावाट की 2 परियोजनाएं लगाई जा रही है। 6 इकाइयां जो बंद हो रही है, जहां नौकरियां जाने वाली है, उनके बारे में क्या ऐसा सवाल निर्माण करते हुए ठाकरे बोले कि सभी इकाइयों को एक स्थान पर लाने से स्थानीय लोगों के जीवन पर असर होगा। आज नागपुर मध्ये आपल्याला माहिती आहे 2-3 महत्त्वाचे विषय चाललेले आहेत, जे घडत आहेत। एक अर्थात कोराडीचा विषय आहे, पण त्याचसोबत मी मंत्री असताना नांदगाव मध्ये एकदा येऊन गेलो, नांदगाव आणि वारेगाव। तिथे दोन्ही वेळा आल्यानंतर आपल्याला आठवत असेल तिकडची ॲशपॉन्ड आपण साधारणपणे 65% क्लिअर केले, आणि हे झालं तर थोडं बोल चालते गेलं। हे सगळं झाल्यानंतर कदाचित आता असं ऐकू येते की तिथे पुन्हा एकदा ॲश डिस्पोजल सुरू होईल, ॲश डिस्पोजल सुरू होईल। तिकडचं आपण लोकांचं जीवन बघतो, जीवनमान एकदमच खालवलेलं आहे, आणि साधारणपणे प्रत्येक ठिकाणी राख सगळीकडे दिसत आहे। दुसरा विषय महत्त्वाचा म्हणजे कोल वॉशरीजचा आहे। कोल वॉशरीज देखील आपल्याला माहिती आहे या पूर्ण विदर्भामध्ये वाढत चाललेले आहेत। मी मंत्री असताना थांबवलेलं ते आत्ताच्या घटनाबाह्य सरकारमध्ये कोल वॉशरीजचा एक घोटाळा समोर येत आहे। आणि तिसरी गोष्ट, नागपूरमध्येच अजनीवनचा मोठा प्रश्न आहे। अजनीवनवर इकडचे स्थानिक जे लोक आहेत, नागपूरकर आहेत, खूप विषय मांडत आहेत, पण कोणी त्यांना ऐकतंय का? हा एक विषय राहिलेला आहे। मी जेव्हा मंत्री होतो, जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, तेव्हा अजनीवनला देखील आम्ही स्थगिती दिलेली आणि इंटरमोडल स्टेशन आम्ही विनंत केलेली की शहराच्या बाहेर आलं। तर हे सगळे विषय आहेत। इस दौरान पत्रकारों द्वारा राजनीतिक वातावरण को लेकर सवाल करने पर ठाकरे बोले कि सच के साथ खड़े होने वालों पर केंद्रीय यंत्रणा का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यह पैटर्न पूरे देश में देखा जा रहा है। देश में लोकतंत्र तो नहीं दिखता, लेकिन तानाशाही शुरू हो गई है। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।